खतौली में भी पत्रकारों में दिखा आक्रोश। ज्ञापन सौंपकर बलिया में जेल भेजे गए पत्रकार की रिहाई की मांग की। डीएम पर कार्रवाई की उठाई मांग। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने एसडीएम खतौली को सौंपा महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन। बुधवार को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े खतौली इकाई द्वारा बलिया में पेपर लीक के मामले में पत्रकारों को भेजे गए जेल के मामले को लेकर खतौली के पत्रकारों में भी आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि बुधवार को खतौली इकाई के पत्रकारों ने वरिष्ठ पत्रकार बसंत गौतम के नेतृत्व में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी जीत सिंह रॉय को सौंपकर जेल भेजे गए पत्रकारों की रिहाई एवं वहां पर तैनात जिलाधिकारी समेत दोषी अन्य अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। वरिष्ठ पत्रकार बसंत और पत्रकार वसीम अहमद ने कहा है कि बलिया प्रशासन द्वारा अपनी नाकामी छुपाते हुए निर्दोष पत्रकार को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड के परीक्षा के दौरान बलिया जिला प्रशासन द्वारा अंग्रेजी इंटर का पेपर आउट होने के मामले में जिला प्रशासन ने खबर प्रकाशित करने वाले एक पत्रकार को जेल भेजा है, जो कि निंदनीय है। बलिया प्रशासन द्वारा नकल का पर्दाफाश करने वाले पत्रकारों के प्रति किए जा रहे उत्पीड़न और झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने के मामले में अपना पक्ष रखा है। पत्रकार वसीम अहमद का कहना है कि पत्रकार समाज अच्छाई और बुराई दोनों को दर्शाते हैं। बलिया प्रशासन की नाकाम व्यवस्थाओं के प्रति आगाह करते हुए पत्रकार ने बड़े ही बेबाकी से बलिया में यूपी बोर्ड परीक्षा में हो रहे नकल का सचित्र समाचार प्रकाशित किया था। आज जो है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने एसडीएम महोदय को आज तहसील में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन का मकसद ये रहा, बलिया क्षेत्र में जो चौथा स्तंभ है पत्रकारों का, उन्होंने एक आवाज उठाई, सच्चाई सामने लाई। पत्र जो पेपर लीक हुआ, उस सच्चाई को चौथे स्तंभ ने जो है सभी की जनता के सामने लाया कि क्या माहौल पैदा हो रहा है। वो सच्चाई के चलते उनको जो है जेल भेज देगा पत्रकारों को, ये अन्याय है। इस अन्याय को जो है पत्रकार संगठन हमारे जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें जो है न्याय मिलना चाहिए। उसमें किसी तरह की कोई जाँच नहीं की गई, तथ्य कोई पेश नहीं किए गए कि भाई सच्चाई क्या है। बिना जाँच बिना तथ्यों के आधार पर बलिया में जो है दो पत्रकार भाइयों को जो है जेल भेज दिया गया। ये जो है चौथे स्तंभ पर प्रहार है। इस प्रहार को जो है किसी भी तरह जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों की आवाज़ को शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीके से उठाया जाए। आज खतौली तहसील में हमारे तमाम पत्रकार साथी एकत्र हुए हैं। जो आप लोग प्रकरण जानते हैं, बलिया में जो प्रकरण हाल सामने आया है, ये पत्रकार साथी को जेल भेजने का, जो आज पूरे देश में इसके कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है। इस तरह से पत्रकारों को एक तरफ जहां सरकार कहती है कि उनके बिना जांच करे पड़ताल के मुकदमे ना लिखे जाए, तो ये कहीं ना कहीं पत्रकार प्रहार है पे पत्रकारों पे, उनके कलम को दबाने की आवाज़ को दबाने का। इस तरह से ये पत्रकार अब आज दबने वाला नहीं है। पत्रकार अपनी आवाज़ अपनी सुरक्षा स्वयं करना जानता है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि पत्रकार एक हैं और पत्रकार की आवाज़ को जो भी दबाना चाहेगा वो इस लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने में कहीं ना कहीं विफल साबित होगा। हम चाहते हैं कि पत्रकार के साथ न्याय हो, उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए।